जिले के उपायुक्त महोदय से आग्रह करूंगा, पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करूंगा, जीप उपाध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि वो आए यहाँ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें, क्योंकि समय काफी हो चुका है और हमारे श्रोता वृंद और बहुत बहुत स्वागत है हमारे मेजाम थाना प्रभारी माने अजय सिंह जी से भी आग्रह है वो आए। हेलो हमारे चेयरमैन साहब से भी आग्रह है कि वो भी आए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें, हमारे माननीय अध्यक्ष भाई बीरेंद्र मंडल जी। प्रारंभ हो रहा है, दीप प्रज्वलित हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद सर, सम्मान। मैं हमारे अभिभावक माननीय उपायुक्त महोदय जी से आग्रह करूंगा कि अपने दो शब्द आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें, माननीय उपायुक्त महोदय। राष्ट्र एकता मंच के बैनर तले आज गांधी मैदान जामताड़ा में आयोजित कवि सम्मेलन सह मुशायरा में उपस्थित जिला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जया राय जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल जी, जिला परिषद की उपाध्यक्षा रफीक भाई, दूर दूर से आए हुए कविगण शायरगण, उपस्थित सज्जनों, चूंकि मंच पर ऊपर ही लिखा हुआ है राष्ट्र एकता, मैं बात यहीं से शुरू करता हूं। कस्टमरी परिभाषा है राष्ट्र की
कि वह भौगोलिक क्षेत्र जहां एक भाषा, एक बोली, एक संस्कृति, एक आचार व्यवहार होते हैं, उसे एक राष्ट्र कहा जाता है। इसके ठीक विपरीत हमारा राष्ट्र बहुभाषी, बहु संस्कृति, बहु रहन सहन, बहु रीति रिवाज से संपन्न एक होमोजोनस संस्कृति का राष्ट्र है। विश्व का यह पहला देश है जो विश्व की विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्मों, विभिन्न आचार व्यवहार को लेकर एक सबसे समृद्ध और सुसंस्कृत राष्ट्र का निर्माण किया है। यह गौरव केवल भारत को प्राप्त है। अच्छा ठीक है, यही सब बोले। यह गौरव केवल भारत को प्राप्त है। ठीक है, रन दीजिए। हम एक राष्ट्र थे, एक राष्ट्र हैं और एक राष्ट्र रहेंगे। यह वैसा देश है, सनातन संस्कृति का देश, जो हर भाषा, धर्म, संस्कृति, हर आचार व्यवहार के लोगों को अपने में आत्मसात कर एक राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है। मैं इस अवसर पर आयोजक गणों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सबों ने एक मुशायरा और कवि सम्मेलन दोनों एक साथ कराया। यह बहुत अच्छी बात है। हम पहले भी हिंदी और उर्दू अलग नहीं थे, आज भी नहीं है। यह हमारी गंगा जमुना तहजीब की संस्कृति हमेशा बनी रही है, बनी रहेगी और विश्व में अनूठे राष्ट्र के रूप में हम रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे माननीय विधायक महोदय जी पधार चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं हमारे जामतड़ा के विधायक माननीय इरफान अंसारी जी भी पधार चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ समय प्रारंभ होने से पहले हमारे जो मेहमान अतिथि आए हैं, हमारे अभिभावक आए हैं, उनको हम लोग पुष्प गुच्छ दे करके सम्मानित करेंगे। सर्वप्रथम मैं रफीक अनवर जी से आग्रह करूंगा कि बुके दे करके हमारे जिले के उपायुक्त महोदय का सम्मान करें। जोरदार ताली के साथ इनका अभिनंदन। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का भी सम्मान करें, रफीक दा। दौड़ के लेके जाइए ना वहां पे। मैं विकास नानोलिया जी से आग्रह करूंगा कि हमारे अनुमंडल पदाधिकारी जी को बुके देकर सम्मानित करें। माननीय विधायक महोदय को बुके देकर के सम्मानित करें। नगर पंचायत के चेयरमैन वीरेंद्र मंडल को बुके देकर के स्वागत करें।
जामताड़ा के जिला परिषद के उपाध्यक्ष सहरा बानू को बुके दे करके सम्मानित करें। जामताड़ा के वीडियो साहब को बुके दे करके सम्मानित करें। आइए जहूर साहब आइए। दिये ना उप प्रमुख असित मंडल को बुके दे करके सम्मानित करें। गुफरान साहब जेएसए साहब को बुके दे करके सम्मानित करें। सुनील हास्ता जिला परिषद सदस्य को बुके देकर सम्मानित करें। वीडियो जहूर आलम को बुके देकर के सम्मानित करें। इधर इधर थाना प्रभारी मेहिजाम को बुके देकर के सम्मानित करें। और कोई छूट गया क्या? सुनील महफूज आलम फिरदौस कौशर उनको बुके देकर सम्मानित करेंगे। हाफिज नाजिर हुसैन साहब सुप्रिया सबनम उनको बुके देकर सम्मानित करेंगे। और संसारी कमर उनको बुके देकर सम्मानित करेंगे। फारूक अंसारी हमारे बीच हाफिज असद आजमी आजमगढ़ तशरीफ ला चुके हैं। उनका राष्ट्रीय एकता मंच जामताड़ा इस्तकबाल करती है। हाफिज असद आजमी साहब उनको बुके देकर सम्मानित करेंगे। आरिफ हुसैन अब कुछ ही पलों में यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आज एक कवि सम्मेलन कुल हिंद मुशायरा में हमारे माननीय अतिथिगण